हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज का जो हम आपसे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो यूपी पीजीटी केमिस्ट्री 2005 का क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस वीडियो में हम आपसे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 74 तक। उसके आगे के क्वेश्चन हम आपसे इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऑल पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे चैनल पे उपलब्ध है। ये लास्ट सेशन चल रहा है, इसके बाद हम वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। 75 क्वेश्चन है, बहुसतही अवशोषण सिद्धांत का समझाया जाता है, यानी जो मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन थ्योरी है उसमें आपको बताना है कि कौन सी है। लैंगमुइर आइसो थ्योरी है अथवा फेंड्रिस आइसो थ्योरी है अथवा बेट इक्वेशन है अथवा हेनरी इक्वेशन है, कौन सा है आपका जो मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन थ्योरी है वो किसमें है। 76 है, निम्नांकित में से किस तकनीक से एक संकुल यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली जाती है, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आप इलेक्ट्रॉन्स की जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो नंबर से कैसे काउंट करते हैं, किसके द्वारा। तो आपको चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 77 क्वेश्चन है, जब एक क्रिस्टल साइट से जालक से एक ऋणायन यौ में एक धनायन हटा के उसे रिक्त कर दिया जाता है तब इस प्रकार के उत्पन्न दोष क्या कहते हैं। आपने फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट में आपको क्रिस्टल लैटिस पढ़ाया जाता है। क्रिस्टल लैटिस में से पूछा गया है कि क्रिस्टल लैटिस का जो सिस्टम है उसमें से एक हम माइनस चार्ज निकाल दे रहे हैं और एक पॉजिटिव चार्ज निकाल दे रहे हैं और वहाँ पर एक स्पेस हम वैकेंट कर दे रहे हैं, तो इस प्रकार जो सिस्टम में डिफेक्ट आ रही है उसको कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, सूट की डिफेक्ट होता है अथवा फ्रैंकलाइन डिफेक्ट होता है, तो बताना है कि कौन सा डिफेक्ट होगा। 78 में है, पानी में 10^-8 मोलर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन का पीएच वैल्यू क्या होगा। तो 10^-8 मोलर एचसीएल विलयन का सॉल्यूशंस का आपको पीएच वैल्यू बताना है। 79 क्वेश्चन है, आदर्श गैस के समतापी प्रसार में एंट्रापी परिवर्तन का व्यंजक क्या होगा, यानी जो आइडियल गैस होती है उसमें आपको एंट्रापी इक्वेशन बताना है। 80 क्वेश्चन है, थर्ड तृतीय कोट अभिक्रिया की अर्धायु यानी जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है उसको बताना है कि जो हाफ लाइफ टाइम है वो किसके इक्वल होता है। जो प्रारंभिक कंसंट्रेशन होता है उसके वर्ग का भी उत्क्रमानुपाती होता है। चारों ऑप्शन में से आपका एक करेक्ट ऑप्शन बताना है। 81 क्वेश्चन, तो 81 क्वेश्चन आपका क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी ओस्टवाल डाइल्यूशन ला आपके यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीआरसी लेक्चरर के लिए भी। देखिए यहाँ से तो ओस्टवाल इक्वेशन का पूछा गया है, नेक्स्ट उसके क्या पूछा गया है, वांडरवाल कांस्टेंट, जो वांडरवाल कांस्टेंट अल्फा होता है उसकी जो यूनिट होती है यूनिट क्या होती है। नेक्स्ट देखेंगे 83 विशिष्ट चालकता, यानी जो मोलर कंडक्टेंस होती है ना उसकी विशिष्ट चालकता को किस इक्वेशन के द्वारा डिनोट किया जाता है, विशिष्ट चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिक्रिया एमएन प्लस एन इलेक्ट्रॉन 1-m के लिए नरस्ट इक्वेशन, यानी आपका ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरस्ट इक्वेशन। नरस्ट इक्वेशन आप यूपी पीजीटी केमिस्ट्री जीआरसी केमिस्ट्री और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो नरस्ट इक्वेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 85 देखेंगे, यदि किसी एनवी कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल उसके वेग के स्थिरांक के प्रतिलोमानुपाती हो तो एन का मान क्या होगा, इसमें एन की वैल्यू बतानी है। 86 क्वेश्चन है, ये भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का रिएक्शन है, इसमें एक सिस्टम दिया है N2O4 गैसेस सिस्टम है, उससे बन रहा है 2NO2 गैसेस सिस्टम है, यानी इक्विलिब्रियम पे जो अभिक्रिया का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, फ्रीडम की कोट बताना है क्या होगा। 87 क्वेश्चन, 10 लीटर हीलियम गैस को 0°C टेम्परेचर और 10 वायुमंडलीय प्रेशर पर रखा गया है, इस 1 वायुमंडलीय दाब तक एक समतापीय उत्क्रमणीय ढंग से प्रसारित किया गया है, इसमें होने वाला कुल वर्क कितना है, यानी आपको यहाँ पे वर्क काउंट करना है। 88 क्वेश्चन है, 88 है, HI हाइड्रोजन आयोडाइड के विघटन के लिए यानी डिकम्पोजिशन के लिए क्रमशः आंशिक दाब और मोलर सांद्रता का प्रयोग कर प्राप्त साम स्थिरांक KP और KC किससे संबंधित है, यानी KP और KC में क्या संबंध है। 89 डेनियल सेल के एनोड पर किस प्रकार का आवेश होता है, यानी डेनियल सेल के
टू पॉइंट्स होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो एनोड पे बताता है कि कैसा चार्ज होता है। 90 क्वेश्चन है, बिलियन के क्वथनांक को 2 केल्विन बढ़ाने के लिए 50 ग्राम जल में यूरिया के कितने मोल डाले जाएंगे, यानी कितने मोल यूरिया यूज किए जाएंगे। इसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 91 क्वेश्चन है, एक उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए निम्न में से सही आंसर क्या होगा, यानी आपको कोई भी एक रिएक्शन से उसके लिए सही आंसर बताना है। 91 क्वेश्चन आप देखिए, चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा। 92 क्वेश्चन है, निम्न ऊष्मा रासायनिक समीकरणों पर विचार कीजिए, यानी यहाँ पे आपको 4 इक्वेशन दिए गए हैं, चारों इक्वेशन में से कार्बन की जो दहन ऊष्मा है उसका सही मान बताना है कि कार्बन की दहन ऊष्मा कितनी होगी। 93 क्वेश्चन देखेंगे, एक गैस के ऋणात्मक जूल थॉमसन गुणांक से क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी कोई यहाँ पे गैस है जिसके ऋणात्मक जूल थॉमसन गुणांक से निष्कर्ष क्या निकलता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन बताना है। 94 क्वेश्चन है, ये आपका सॉलिड स्टेट का है, क्रिस्टल की इस संरचना यानी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आप डिसाइड करते हैं उसके लिए जो राइट इक्वेशन है वो राइट इक्वेशन कौन सा है। 95 क्वेश्चन, वाई और जेड अक्षों के समांतर एक तल यक्ष अक्ष पर इकाई अंताखंड बनाता है, निम्नलिखित में से इस तल के लिए सही मिलर घातांक यानी मिलर इंडिसेस, आपने सॉलिड स्टेट में एक टर्म पढ़ा होगा मिलर इंडिसेस, तो इसमें से आपको बताना है कि मिलर इंडिसेस इसका क्या होगा। 96 क्वेश्चन है, निम्न में से सही भौतिक गुणधर्म का चुनाव कीजिए जिसकी व्याख्या आणविक संघट द्वारा संवेग स्थानांतरण के रूप में की जा सके, यानी जो सही उसका फिजिकल वो है करेक्टर्स वो कौन सा है। 97 क्वेश्चन, 97 में आपको बताना है अस्थाई तत्वों का न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन एन बाय पी जो अनुपात होता है रेशियो होता है वो लगभग कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 98 क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक के नियमानुसार यानी अकॉर्डिंग टू ब्लैंक डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों को एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ हीट करने पर 300 डिग्री सेल्सियस पर आसवन करने पर चक्रीय यानी साइक्लिक एनहाइड्राइड तथा साइक्लिक कीटोन प्राप्त होते हैं, यानी ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब 99 क्वेश्चन है, 99 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कंपाउंड्स दिया गया है, इस कंपाउंड में से आपको बताना है कि इसका आयोपिक नेम क्या होगा। तो आप जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयोपिक नामनक्लेचर पढ़ते हैं जिसमें आप उसका नामनक्लेचर कैसे किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन दिया गया है, यानी इसमें बताना है कि जो क्वेश्चन में कन्वर्जन हो रहा है वो किसका कन्वर्जन हो रहा है, यानी टाटोमेरिज्म हो रही है, आइसोमेरिज्म हो रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट बताना है। 101 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकुचित वर्णक्रम एंटीबायोटिक है, यानी चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है इसमें एंटीबायोटिक है। तो इस अकॉर्डिंग हम आपसे डिस्कस किए हैं आज क्वेश्चन नंबर 75 से लेके क्वेश्चन नंबर 101, यानी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम 101 के आगे जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा लास्ट सेशन है, इसके बाद हम इसके सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। हमारे चैनल में UPPGT केमिस्ट्री, GIS लेक्चर केमिस्ट्री, CSIR नेट एग्जाम इन सब की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो इस बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।